प्रशासन की समझाइश के बाद भी हिट एंड रन कानून का विरोध कर रहे लोग अब दबंगई पर उतर आए हैं और लोगों को परेशान कर रहे उनके द्वारा गाड़ियों में तोड़फोड़ की जा रही है और गाड़ी में बैठे लोगों के साथ अभद्रता भी की जा रही है। मामला सामने आने के बाद मौके पर पुलिस बल पहुंचा, जिससे शरारती तत्व भाग गए। गौरतलब है कि भिंड शहर के अटेर रोड पर रहने वाले आर्मी सूबेदार सुरेंद्र शर्मा अपने परिवार के साथ दंदरौ से दर्शन करके स्विफ्ट कार से लौट रहे थे। जैसे ही उनकी कार शहर में ग्वालियर रोड पर स्वराज एजेंसी के सामने पहुंची, तभी हड़ताल कर रहे लोगों ने उनकी गाड़ी रोक ली। उन्होंने अपने सरकारी कर्मचारी होने का हवाला दिया और गाड़ी किराने लगाने की बात कही, लेकिन हड़ताल कर रहे लोगों ने उसके दो पहिए की हवा निकाल दी और कांच तोड़ दिया। इतने से मन नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ी में बैठे लोगों के साथ अभद्रता करते हुए मारपीट भी की, जिसका गाड़ी में बैठी उनकी छोटी बच्ची ने विरोध किया तो उसको भी किसी ने चांटा मार दिया। मौके पर पुलिस के पहुंचने से अभद्रता करने वाले लोग भाग गए। शहर में लोडिंग वाहन चालक, ऑटो और टमटम चालकों पर ये शरारती तत्व हावी हैं और उनकी हवा निकालकर धमका रहे हैं। इन लोगों ने डीजल लेकर आ रहे टैंकर की भी हवा निकाल दी। को मारा, ऐसे पूछो आपके साथ में क्या हुआ बेटा? वो कर रहे थे, मुझे तो पता भी नहीं था। वो मार के गए थे मेरे को। कौन लोग थे? पता नहीं, मुझे नहीं पता। वो वहाँ पीछे खड़े थे, आगे ऐसे कांच वाच खुलवाए उन्होंने, ऐसे कर किसी की बात नहीं सुन रहे थे वो। आपको मालूम है कौन कौन लोग थे वो? अटेर रोड के बंदे हैं कुछ है। और मैंने बोला मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, दंदरुआ धाम से आ रहा हूँ, मैं साइड में गाड़ी कर लेता हूँ ना। गाड़ी साइड में करने दी, कांच तोड़ने लग गए, कांच निकाल के ले गए। अंदर फैमिली बैठी है, ये बच्चे इनके गले में हाथ डाल रहे हैं, हाँ चेन खींच रहे, इस बच्चे को थप्पड़ मार रहे हैं। ये कौन सा आंदोलन है? ये महात्मा गांधी ने ऐसे थोड़ी आंदोलन किया। अरे आंदोलन करता है तो भूख हड़ताल करो, सरकार से बिल वापस लेना है तो।